कम्युनिस्ट पार्टी है उसने उस पर आपने ये कहा कि रूरल पार्टी की साझा है हाँ। ना और 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फडणवीस दूसरी एजेंसी ने दिया है चाइना के, उस बारे में आपने बोला था कि प्रमाण भी है आपके पास जी। उस बारे में प्रमाण आप ऐसा करिए आप कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर चले जाइए, उस पर सभी पर आपको प्रमाण भी मिल जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने वहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल अपना भेजा है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ तो प्रमाण के साथ करता हूँ और आज हमें इस बात का दुख है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीनी सेनाएं हमारे सीमा में घुसाए, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे सीमा में चीनी सेना घुसाई, इस पर हमें समझौते की बातचीत भी हो रही है, आर्मी कमांडर्स मुलाकात भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी चीनी सेना का कोई व्यक्ति, आजकल चाइना का नाम लेने से भी वो मूर्ख वो कतरा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या चाइना से उनका प्रेम हो गया है? अब होना भी चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति 18 बार चाइना नहीं गया होगा जितने नरेंद्र मोदी जी गए और इतनी बार जाने के बाद आज ये हालात हैं। जब वो साबरमती के तट पर झूला झूल रहे थे जी जिनपिंग के साथ, उस समय डोकलाम में चीनी सेना हमारे भारत के सीमाओं के अंदर घुस रही थी, तो शर्माते हैं नरेंद्र मोदी जी चाइना का नाम लेने से ऐसे प्रकरणों में? अगर चीनी सेना नहीं घुसी थी और रक्षा मंत्री ने गलत बयान दिया तो क्या उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था? राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है क्या? विदेश मंत्री जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चीनी सेना हमारे सीमा में घुस आई और अगर ये गलत बयान तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते? आखिर जब चीनी सेना हमारे क्षेत्र में घुसी नहीं है तो हमारे 20 सैनिक कैसे मारे गए, एक अधिकारी कैसे मारा गया, 10 लोग उन्होंने हिरासत में कैसे ले लिए? इतना बड़ा झूठ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आज तक किसी प्रधानमंत्री और किसी भी सरकार में बैठे व्यक्ति की हिम्मत नहीं की है और आज मोदी जी इस बात से कतराते हैं कि चाइना का नाम वो कैसे ले लें। और ये भी एक अजीब बात है कि हमारा विवाद चला हुआ है और चीन की मीडिया और सरकारी मीडिया प्रशंसा करती है भारत के प्रधानमंत्री जी की, देखो हमने जो कहा था उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है। अब बताइए गठबंधन किसका है?